हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के प्रैक्टिकल के जो आपके स्पेसिमेन है। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में अपन ने बात की थी किसकी, इनवर्टिब्रेट्स की, ठीक है, और कशेरुकियों की। सेकंड ईयर में बात की अपन ने किसकी, कॉर्डेट्स की, कशेरुकियों की। और इस बार अपन बात करने वाले हैं एडेप्टेशन की, मतलब कि इस बार आपका इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें जिस प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है, इस प्रकार के कुछ स्पेसिमेन की अपन बात करेंगे। एडेप्टेशन में आपका 6 प्रकार के एडेप्टेशन है। पहला जो एडेप्टेशन है आपका वो कौन सा है, कर्सोरियल एडेप्टेशन। कौन सा एडेप्टेशन है, कर्सोरियल एडेप्टेशन। देन हम बात करेंगे यहाँ पे दूसरा एडेप्टेशन जो है वो आपका कौन सा है, एक्वेटिक एडेप्टेशन। तीसरा है फ्लाइट एडेप्टेशन। चौथा है स्कैंसोरियल एडेप्टेशन, ठीक है, आरोही अनुकूलन। और चौथा है पैरासाइटिक एडेप्टेशन, परजीवी अनुकूलन। और छठा है फोसोरियल, खननी अनुकूलन, ठीक है। इस प्रकार से अपन को 6 एडेप्टेशन के बारे में देखना है। यहाँ पे हम वन बाय वन हर एडेप्टेशन के अंदर जो स्पेसिमेन इंक्लूड किए गए हैं उसको पढ़ेंगे, उसका जूलॉजिकल नेम, उसका कॉमन नेम और उसी के साथ साथ उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कर्सोरियल एडेप्टेशन। कर्सोरियल एडेप्टेशन जैसा कि हम देखते हैं, इसको कहते हैं क्या, धावी अनुकूलन। क्या कहते हैं, धावी अनुकूलन इसको कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें दौड़ने की तीव्र क्षमता जो है वो पाई जाती है, इसमें आपके 3 स्पेसिमेन को इंक्लूड किया गया। पहला है एजिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है। दूसरा है आपका इक्वस कैबेलस। और तीसरा स्पेसिमेन है आपका मोस्कस मस्कीफेरस। तो यहाँ हम 3 स्पेसिमेन को देखेंगे विद डायग्राम, इनके कॉमन नेम, जूलॉजिकल नेम और उसी के साथ साथ हम क्या देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहला जो है आपका स्पेसिमेन वो कौन सा है, एजिनोनिक्स जुबेटस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चीता, या फिर हम इसको कहते हैं शिकारी कुत्ता, ठीक है, हंटिंग लेपर्ड भी इसको कहा जाता है, या फिर चीता भी इसको कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इसका हो गया, संघ इसका जो है वो कौन सा होता है, कॉर्डेटा, ठीक है। क्लास हुई कौन सी, मेमेलिया। उसके बाद ऑर्डर हुआ इसका कौन सा, कार्निवोरा। जीनस हुआ एजिनोनिक्स और स्पीशीज हुई जुबेटस, ठीक है। कॉर्डेटा के अंदर, कशेरुकियों के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। क्लास की अपन बात करें तो मेमेलिया, स्तनियों में इसको रखा गया है। ऑर्डर की बात करें तो कार्निवोरा, ठीक है, मांसाहारी प्राणियों को किसमें रखा गया है, कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे 16 ऑर्डर की बात करते हैं अपन, ठीक है, उसमें से एक है कौन सा, कार्निवोरा। तो हंटिंग लेपर्ड को इंक्लूड किया गया किसके अंदर, कार्निवोरा के अंदर। जीनस हो गया इसका एजिनोनिक्स और स्पीशीज हो गई जुबेटस। हम बात करें यहाँ पे दूसरा, इक्वस कैबेलस, ठीक है, जूलॉजिकल नेम क्या है इसका, इक्वस कैबेलस, और कॉमन नेम क्या है, हॉर्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको भी किसमें रखा गया है, कॉर्डेटा के अंदर रखा गया है। क्लास मेमलिया के अंदर रखा गया है, स्तनियों में इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो पेरिसोडेक्टाइला में इसे इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर इसका कौन सा है, पेरिसोडेक्टाइला। जीनस है इक्वस और स्पीशीज है कैबेलस, ठीक है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है घोड़ा। नेक्स्ट तीसरा स्पेसिमेन है आपका मोस्कस मस्कीफेरस, इसको कहते हैं मस्क डियर, या इसको कहते हैं कस्तूरी मृग। क्या कहते हैं, कस्तूरी मृग भी इसे कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम कौन सा हुआ, कॉर्डेटा। देन हम बात करें क्लास की, मेमेलिया। नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो कौन सा है, आर्टियोडेक्टाइला। और जीनस हो गया इसका मोस्कस और स्पीशीज हो गई मोस्कीफेरस। तो यहाँ पे हमारे कर्सोरियल एडेप्टेशन के 3 स्पेसिमेन हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट। सबसे पहला हमने देखा था कौन सा, एजिनोनिक जुबेटस को। दूसरा देखा इक्वस कैबेलस। तीसरा देखा मोस्कस मस्कीफेरस। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एक्वेटिक एडेप्टेशन। एक्वेटिक एडेप्टेशन के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं, पहला जो है वो आपका कौन सा, फाइसेरिया। दूसरा है काइटन। तीसरा है हाइड्रोफिश। चौथा है एंग्विला वल्गेरिस और लेबियोरोहिता। और नेक्स्ट है प्रोटोप्टेरस, ठीक है। इस प्रकार से इन 6 स्पेसिमेन को किसमें इंक्लूड किया गया है, एक्वेटिक या जलीय अनुकूलन के अंदर। सबसे पहला हम देखिए फाइसेलिया। फाइसेलिया को कहते हैं द पोर्टुगोस मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का सैनिक कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं, पुर्तगाल का सैनिक। फाइसेलिया
फाइसेलिया को कहते हैं पुर्तगाल का सैनिक। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले फाइलम इसको देखते हैं अपन, फाइलम सिलेंट्रेटा। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा जो है वो किससे रिलेटेड है, इनवर्टिब्रेट में इसको रखा गया है और कशेरुकियों के अंदर रखा गया है। क्लास जो है वो इसकी कौन सी है, हाइड्रोजोआ। उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर है साइफेनोफोरा और जीनस हो गया इसका फाइसेलिया। ठीक है, पहला स्पेसिमेन एक्वेटिक एडेप्टेशन के अंदर कौन सा है, फाइसेलिया, जिसको कहते हैं पुर्तगाल का सैनिक। दूसरी बात करें, दूसरा स्पेसिमेन है आपका काइटन। ठीक है, काइटन को कहते हैं क्या, समुद्री चूहा, सी माउस। काइटन को कहते हैं समुद्री चूहा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम इसका कौन सा है, मोलस्का। फाइलम मोलस्का। मोलस्का की विशेषता, शेल और मेंटल का पाया जाना, कवच का पाया जाना और मेंटल का, परिकवच का उपस्थित होना। क्लास जो है इसकी है एम्फीन्यूरा। ठीक है, क्लास कौन सी हो गई इसकी, एम्फीन्यूरा। ऑर्डर हो गया काइटोनिडा और जीनस की बात करें काइटन। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है किसका, क्लासिफिकेशन काइटन का। देखो जैसे अपन बात करना चाहें तो बहुत सारी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपका 20 नंबर का स्पोर्टिंग होता है तो उस स्पोर्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन भी लिखना है, कैरेक्टर्स भी लिखने हैं और डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, 3 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको एक स्पोर्ट जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे आपके पास 10 स्पोर्ट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अपन जल्दी से जल्दी जितना लिख पाए। तो अपन बात करेंगे किसकी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीशीज के ही। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश को कहते हैं समुद्री सर्प। क्या कहते हैं, समुद्री सर्प कहा जाता है हाइड्रोफिश को, सी स्नेक। और इसका जो विष है वो क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का होता है। कैसा होता है, न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या होता है, तंत्रिका आवेश, सीधा ब्रेन पर जो है वो अफेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम हो गया इसका कॉर्डेटा। ठीक है, कशेरुकियों में इसको इंक्लूड किया गया है। क्लास हो गई रेप्टाइल्स। ऑर्डर हो गया इसका स्क्वेमेटा और जीनस हो गया हाइड्रोफिश। ठीक है, अब जैसा हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, नेथोस्टोमेटा के अंदर क्या किया गया है, सुपर क्लास पीसीज एंड टेट्रापोडा। ठीक है, पीसीज के अंदर मछलियों को इंक्लूड किया गया है और टेट्रापोडा के अंदर 4 अलग अलग क्लासेस है, कौन कौन सी, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एविज और मैमल्स। तो यहाँ पे स्नेक की स्पीशीज को, जिसे सरीसृप होते हैं, उनको किस क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है, रेप्टिलिया के अंदर। और स्क्वेमेटा, स्नेक की जितनी भी स्पीशीज है उसको किस ऑर्डर में रखा गया है, स्क्वेमेटा के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें एंग्विला वल्गेरिस। ठीक है, एंग्विला जिसको कहते हैं कॉमनली इल। ठीक है, स्नैक लाइक फिश, स्नैक लाइक फिश, सांप के समान मछली, एंग्विला इल। ठीक है, फाइलम देखें, हो गया इसका फाइलम कॉर्डेटा। क्लास हो गई ऑस्टिक्थिस, अस्थिल मछलियां जिसके अंदर रखी गई है, किसके अंदर, ऑस्टिक्थिस के अंदर। ऑर्डर है इसका केप्रिनिफॉर्म्स। ठीक है, और जीनस हो गया एंग्विला और स्पीशीज हो गई इसकी वल्गेरिस। ये किस प्रकार की, स्नैक लाइक फिश है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबियो रोहिता की, जो हम इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका, रोहू या कार्प इसे कहा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम हो गया इसका कॉर्डेटा। क्लास हो गई ऑस्टिक्थिस, वही अस्थिल मछलियाँ जिनके अंदर इनका अंतः कंकाल कैसा होता है, अस्थियों का बना होता है। ऑर्डर इसका हो गया वही किप्रिनोफॉर्म्स और जीनस हुआ लेबियो और स्पीशीज हुई रोहिता। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्पेसिमेन की, नोटोप्टेरस। ठीक है, नोटोप्टेरस को कहते हैं कैटफिश या फिर इसको कहते हैं चीतल। क्या कहते हैं, चीतल इसे कहा जाता है, इसको, नोटोप्टेरस को। नेक्स्ट इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम हो गया इसका क्या, कॉर्डेटा। ठीक है, कशेरुकियों में इसको इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर इसका हो गया ऑस्टिक्थिस, उसके सॉरी क्लास हो गई ऑस्टिक्थिस, उसके बाद ऑर्डर जो है वो किप्रिनिफॉर्म्स हुआ और जीनस हुआ नोटोप्टेरस। देन अब हम बात करते हैं आगे फ्लाइट एडेप्टेशन की। ठीक है, उड्डयन अनुकूलन, कौन सा अनुकूलन, उड्डयन अनुकूलन।
उड्डयन अनुकूलन के अंदर उड़ने वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फ्लाइट एडेप्टेशन पाया जाता है। पहला स्पेसिमेन है आपका कौन सा, कोलम्बा लिविया जिसको कहते हैं ब्लू रॉक पिजन। दूसरा हो गया प्रोटोप्टेरस। नेक्स्ट हो गया टेरोपस। क्या है ये, टेरोपस है। नेक्स्ट है ड्रेको, उसके बाद एक्सोसिटस और नेक्स्ट है पेपिलियो। ये पांच स्पेसिमेन को किसमें इंक्लूड किया गया है, फ्लाइट एडेप्टेशन के अंदर। सबसे पहला हम देखते हैं कोलम्बा लिविया, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लू रॉक पिजन। क्या कहा जाता है, ब्लू रॉक पिजन, या इसको कहते हैं जंगली कबूतर। इसे कहते हैं जंगली कबूतर या ब्लू रॉक पिजन कहा जाता है, जैसे दुर्ग के अंदर, चट्टानों की दीवारों के अंदर, उसके बाद घरों में ये क्या करता है, घरों के बाहर की ओर घोंसला बनाता है। क्लासिफिकेशन देखिए, इसको फाइलम किसमें रखा गया, कॉर्डेटा के अंदर, कशेरुकियों में। क्लास इसकी है एविस, बर्ड की जितनी भी स्पीशीज है उनको किसमें रखा गया है, एविस के अंदर। ऑर्डर है कोलम्बिफॉर्म्स, उसके बाद जीनस इसका हो गया कोलम्बा और स्पीशीज हो गई लिविया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे टेरोपस की। टेरोपस जिसको कहते हैं फ्लाइंग फॉक्स, उड़न लोमड़ी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं, उड़न लोमड़ी, या फिर इसको कहते हैं चमगादड़। उड़न लोमड़ी या फिर इसे कहते हैं चमगादड़। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम हुआ कॉर्डेटा, देन क्लास हुई मैमेलिया, ठीक है, मैमल्स के अंदर इसको रखा गया है। मैमेलिया का स्पेशल कैरेक्टर स्तन ग्रंथियों का पाया जाना, ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां जो है वो पाई जाती है, मेमरी ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा, किट बक्षी होने के कारण इसको किसमें रखा गया है, इंसेक्टिवोरा के अंदर रखा गया है, और जीनस है इसका टेरोपस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे ड्रेको की, ठीक है। ड्रेको जो है वो क्या है, फ्लाइंग लिजार्ड, उड़न छिपकली, ठीक है। ड्रेको को कहते हैं उड़न छिपकली। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम हुआ कॉर्डेटा, देन क्लास हुई इसकी रेप्टिलिया। सरीसृपों के अंदर इसे इंक्लूड किया गया है, किसमें इंक्लूड किया गया है, सरीसृपों के अंदर। नेक्स्ट ऑर्डर हुआ इसका स्क्वेमेटा और जीनस हुआ ड्रेको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सोसिटस। एक्सोसिटस को कहते हैं उड़न मछली, फ्लाइंग फिश। क्लासिफिकेशन देखें तो फाइलम हुआ इसका क्या, कॉर्डेटा, कशेरुकियों के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। क्लास है ओस्टिकथिस, अस्थिल मछलियाँ, ठीक है, जिनका अंतः कंकाल किसका बना हुआ होता है, अस्थियों का बना हुआ होता है, उसको ओस्टिकथिस के अंदर इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर की बात करें क्रिप्रिनिफॉर्म्स, और उसके बाद जीनस जो है वो क्या है, एक्सोसिटस। देन आगे हम बात करते हैं पेपिलियो, ठीक है। लास्ट जो स्पेसिमेन है फ्लाइट एडेप्टेशन के अंदर, पेपिलियो को हम कहते हैं बटरफ्लाई, क्या कहते हैं, तितली, बटरफ्लाई, पेपिलियो। नेक्स्ट फाइलम इसका है आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा संघ, अकशेरुकियों का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। क्यों, क्योंकि इसमें 10 लाख से अधिक कीटों की जातियों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद क्लास हो गई इसकी इंसेक्टा, एक प्रकार का कीट है इसलिए क्या है, इंसेक्टा। नेक्स्ट ऑर्डर हो गया इसका लेपिडोप्टेरा, क्या है, लेपिडोप्टेरा, और जीनस हुआ पेपिलियो। यहाँ पे फ्लाइट एडेप्टेशन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैंसोरियल एडेप्टेशन, इसको हम कहते हैं आरोही अनुकूलन, क्या कहते हैं, आरोही अनुकूलन। आरोही अनुकूलन या फिर इसको हम कहते हैं वृक्षाश्रयी अनुकूलन। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कैंसोरियल एडेप्टेशन, आरोही अनुकूलन या वृक्षाश्रयी अनुकूलन, जिसमें तीन स्पेसिमेन है। सबसे पहला है कैमलियन, दूसरा है हाइला और तीसरा है सेमनोपिथिक्स। ये तीन स्पेसिमेन है
जिसमें पहला जो है वो क्या है, कैमलियोन। ठीक है, कैमलियोन का कॉमन नेम क्या है, ट्री लिजर्ड, वृक्षाश्रयी छिपकली। ट्री लिजर्ड कहते हैं किसको, कैमलियन को। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइलम जो हो गया वो कौन सा, कॉर्डेटा। क्लास हुई इसकी रेप्टिलिया, सरीसृपों के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। जैसे लिजर्ड के अलग अलग स्पीशीज की बात करें, सबसे पहली हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, हेमीडेक्टाइलस को क्या कहते हैं, वॉल लिजर्ड कहते हैं। उसके बाद आता है कैलोटिस, कैलोटिस को क्या कहते हैं, गार्डन लिजर्ड। ठीक है, उसके बाद कैमलियन, कैमलियन को कहते हैं ट्री लिजर्ड। उसके बाद आता है वेरेनस, वेरेनस को कहते हैं मॉनिटर लिजर्ड। इस प्रकार से अलग अलग जो है वो स्पीशीज है जहाँ पे हमें वृक्षाश्रय जो अनुकूलन पढ़ना है या आरोही अनुकूलन पढ़ना है, उसमें पहला है कौन सा, कैमलियन। ठीक है, कैमलियन को क्लास रेप्टिलिया में ऐड किया गया है। ऑर्डर जो है वो कौन सा है इसका, स्क्वामेटा, और जीनस हुआ कैमलियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइला की। ठीक है, हाइला जिसको कहते हैं वृक्षाश्रयी मेंढक। ट्री लिजर्ड, ट्री फ्रॉग कहते हैं इसको, किसको, हाइला को। ठीक है, फाइलम हुआ इसका कॉर्डेटा। जैसा कि हम सभी को पता है कशेरुकियों में पांच अलग अलग जो हैं, पहली तो दो सुपर क्लासेस हो गई, कौन कौन सी, फिशिज एंड टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा के चार अंदर क्लासों को ऐड किया गया है एन एमनियोटा, और एमनियोटा में इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एन एमनियोटा में आने वाली क्लास कौन सी है, एम्फीबिया, जबकि एमनियोटा में आने वाली कौन सी है, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास जो हुई वो कौन सी है, एम्फीबिया। ठीक है, उभयचर मतलब स्थलीय एवं जलीय प्राणी, जिसको किसमें इंक्लूड किया गया है, एम्फीबिया के अंदर। ऑर्डर हुआ इसका एन्यूरा या सेलेंशिया। ठीक है, जीनस हुआ इसका हाइला। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेमनोपिथिक्स, ग्रे लंगूर इसे कहा जाता है, या इसको कहते हैं हनुमान लंगूर। क्या कहते हैं, हनुमान लंगूर, या फिर इसे ग्रे लंगूर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम हुआ कॉर्डेटा, देन क्लास हुई मेमेलिया, और ऑर्डर हुआ इसका प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स में इसको इंक्लूड किया गया है, और जीनस हुआ इसका स्टेमनोपिथिक्स। तो यहाँ पे आरोही अनुकूलन जो है वो कंप्लीट होता है। देन अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक एडेप्टेशन, परजीवी अनुकूलन। परजीवी अनुकूलन में हम बात करते हैं यहाँ पे अलग अलग 6 से 7 स्पेसिमेन की, जिसमें सबसे पहला है फैसिओला हिपेटिका, दूसरा है टीनिया सोलियम, तीसरा है एस्केरिस, चौथा है सिस्टोसोमा, नेक्स्ट है एंटेरोबियस, उसके बाद है नेक्स्ट पेडिकुलस होमनस, नेक्स्ट है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, और नेक्स्ट है एक्सोडिस। इस प्रकार से 7 से 8 जो है 7 स्पेसिमेन है किसके अंदर, पैरासाइटिक एडेप्टेशन के अंदर। इसमें वन बाय वन अपन हर स्पेसिमेन को देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं फैसिओला हिपेटिका। ठीक है, इसको कहते हैं शिप लीवर फ्लुक, भेड़ यकृत कृमि। क्या कहते हैं, भेड़ यकृत कृमि इसे कहा जाता है, शिप लीवर फ्लुक कहा जाता है। फाइलम हो गया प्लेटीहेलमिंथिस, प्लेटीहेलमिंथिस नाम से ही हमें पता चलता है क्या, चपटे कृमि। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कैसे होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। क्यों इनको चपटे कृमि कहा जाता है, क्योंकि इनमें सिलोम जो है वो अनुपस्थित होती, किसी भी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती। क्लास है इसकी ट्रीमेटोडा, ट्रीमेटोडा में इसको वर्ग के अंदर इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर है इसका डाइजेनिया, नेक्स्ट जीनस है इसका फैसिओला, और स्पीशीज है इसकी हिपेटिका। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं टीनिया सोलियम की। टीनिया सोलियम को कहते हैं सुअर मांस फीताक्रमी। क्या कहते हैं, सुअर मांस फीताक्रमी, टैप पॉक टैप फॉर्म, सुअर मांस फीताक्रमी। पॉक टैपवर्म इसको देखें, फाइलम हुआ इसका प्लेटीहेलमिंथिस, ये भी चपटे कृमि कहलाते हैं। क्लास हुई इसकी सिस्टोडा, नेक्स्ट ऑर्डर हुआ साइक्लोफाइलिडी, जीनस हुआ टिनिया, और स्पीशीज हुई इसकी सोलियम। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एस्केरिस की। ठीक है, एस्केरिस जिसको कहते हैं राउंड वर्म, क्या कहते हैं, गोलकृमि कहा जाता है, किसको, एस्केरिस को, गोलकृमि।
यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों दिखाई दे रहे हैं। मेल से लंबी होती है फीमेल एस्केरिस की। फाइलम हुआ एस्केहेलमेंथिस, क्लास हुई इसकी निमेटोडा, ऑर्डर हुआ एस्केरोइडी, जीनस हुआ एस्केरिस और स्पीशीज हुई लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टोसोमा। सिस्टोसोमा को कहते हैं ब्लड फ्लूक। क्या कहा जाता है इसको? रक्त फ्लूक कहा जाता है, रक्त फ्लूक या रक्तक्रमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रक्तक्रमी या ब्लड फ्लूक कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम हुआ इसका प्लैटीहेलमिंथिस। ठीक है, इसको भी चपटे क्रमियों के अंदर रखा गया है। क्लास हुई इसकी ट्रीमेटोडा। ठीक है, ऑर्डर हुआ स्ट्रिक्डिडा और जीनस हुआ सिस्टोसोमा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस। इसको कहते हैं पिनक्रमी। क्या कहते हैं? पिनक्रमी इसे कहा जाता है। किसको? एंटेरोबियस को। फाइलम देखें हम, इसका फाइलम हुआ नेमेटोडा, दूसरा क्लास हुई सेक्रेंशिया, उसके बाद ऑर्डर हुआ एस्केरिडिडा, जीनस हुआ एंटेरोबियस और स्पीशीज हुई वर्मिकुलेरिस। ठीक है, देन हम आगे बात करते हैं पेडिकुलस होमनेस। ठीक है, पेडिकुलस होमनेस जिसको कहते हैं हेड लाउस, बालों की जू या मानव जू। क्या कहते हैं इसको? मानव जू, हेड लाउस। अब देखें हम फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कीटों की जातियों को रखा गया है, इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद क्लास देखें तो इंसेक्टा, देन ऑर्डर देखें तो थीरेप्टेरा। ठीक है, उसके बाद जीनस देखें पेडिकुलस और स्पीशीज देखें हुमनस। ये आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है, शरीर जो है वो तीन भागों के अंदर विभक्त होता है। कौन कौन सा? हेड, उसके बाद ट्रंक, मतलब हेड नेक एंड एब्डोमन। ये तीन भागों के अंदर इसका शरीर जो है वो विभक्त होता है। देन हम बात करें हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, इसको कहते हैं इंडियन कैटल लिच, भारतीय पशु जोंक। क्या कहते हैं? भारतीय पशु जोंक कहा जाता है। सबसे पहला फाइलम हम देखें एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर इसको रखा गया है। एनेलिडा में जो सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, वो बाहरी तौर पर क्लियरली नहीं दिखाई देता है। क्लास इसकी है हिरुडिनिया। कौन सी है? हिरुडिनिया। उसके बाद ऑर्डर है नेथोपडेलिडा। कौन सा है? नेथोपडेलिडा। जीनस है हिरुडिनेरिया और स्पीशीज है इसकी ग्रेनुलोसा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सोडिस। एक्सोडिस को कहते हैं कैस्टर बिन टिक। इसका बाहरी आवरण जो है वो कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, फाइलम की बात करें, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद क्लास है एरेक्निडा, ऑर्डर है एक्सोडिडा और जीनस है एक्सोडिस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारे कंप्लीट जो हुए क्लासिफिक पैरासाइटिक एडेप्टेशन में आने वाले ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे एक्सटर्नल जो पैरासाइट है वो कौन से हैं? बाह्य परजीवियों की हम बात करें तो बाह्य परजीवी तीन है। कौन कौन से? पहला है पेडिकुलस, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी में हम देखें तो सबसे पहला है पेडिकुलस, दूसरा यहां पे एक्सोडिस और तीसरा हिरुडिनेरिया। ये हुए बाह्य परजीवी और बाकी सब जो है कौन कौन से? फेसियोला हिपेटिका, देन टिनियासोलियम, एस्केरिस, एंटेरोबियस और सिस्टोसोमा। ये कैसे हैं? आंतरिक प्रकार के परजीवी हैं जो कि इंटरनल पैरासाइट है। अब हम यहाँ पे लास्ट बात करते हैं किसकी? खननी अनुकूलन की, फोसोरियल एडेप्टेशन की। खननी अनुकूलन, फोसोरियल एडेप्टेशन की बात करें, पहला स्पेसिमेन है यहाँ पे फेरेटिमा। कौन सा है? फेरेटिमा। देन हम बात करें कीटोप्टेरस, नेक्स्ट है लेपस, नेक्स्ट है टेल्पा, नाजा, टेरिडो और इक्थियोपिस, जिनके अंदर खननी अनुकूलन पाया जाता है। ठीक है, पहला स्पेसिमेन देखें फेरेटिमा,
पैराटीमा को क्या कहते हैं? अर्थवर्म कहा जाता है, केचुआ कहा जाता है, क्या कहते हैं? केचुआ। इसको कहते हैं कृषक मित्र, क्या कहते हैं? कृषक मित्र कहा जाता है किसको? पैराटीमा को। मिट्टी के अंदर पाया जाता है। फाइलम देखें एनेलिडा, ठीक है, कौन सा फाइलम है? एनेलिडा। किसमें इंक्लूड किया गया है? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। क्लास है ओलिगोकिटा, क्लास कौन सी हो गई? इसका वर्ग है ओलिगोकिटा, ऑर्डर हुआ नियो ओलिगोकिटा, गण जो है वो कौन सा है? नियो ओलिगोकिटा। जीनस हुआ इसका फेराटीमा, ठीक है, और स्पीशीज हुई पोस्ट्यूमा। देन हम बात करें किटोप्टेरस, किटोप्टेरस को कहते हैं पैडल क्रमी, क्या कहते हैं? पैडल क्रमी किटोप्टेरस। यहाँ पे फाइलम है एनेलिडा, इसको भी किसमें इंक्लूड किया गया है? एनेलिडा के अंदर। क्लास है पॉलीकिटा, ठीक है, क्लास कौन सी हुई? पॉलीकिटा, ऑर्डर हुआ ट्यूबिकोला और जीनस हुआ किटोप्टेरस। किटोप्टेरस को कहते हैं पैडल क्रमी। देन हम बात करते हैं लेपस की, लेपस को कहते हैं खरहा, क्या कहते हैं? खरहा हेयर। क्लासिफिकेशन की बात करें, फाइलम है इसका कॉर्डेटा, कशेरुकियों के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। क्लास है मेमेलिया, स्तनियों में इसको इंक्लूड किया गया है। ऑर्डर इसका गण है कौन सा? लेगोमोर्फा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी विष्ठा को, अपने एक्सक्रिटरी वेस्ट को स्वयं ही खा लेते हैं, जिसको किसमें इंक्लूड किया गया है? लेगोमोर्फा के अंदर, और जीनस है इसका लेपस, ठीक है। देन हम बात करते हैं टैल्पा, टैल्पा को कहते हैं छछुंदर, क्या कहते हैं? छछुंदर। सबसे छोटा स्तनी, ठीक है, सबसे छोटा स्तनी, स्मॉलेस्ट मैमल कौन सा है? टैल्पा या मोल छछुंदर। फाइलम देखें कॉर्डेटा, कशेरुकियों के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। क्लास है इसकी मेमेलिया, स्तनियों में रखा गया है। ऑर्डर है इसका इंसेक्टिवोरा, किट भक्षी होने के कारण इसको किसमें रखा गया है? इंसेक्टिवोरा के अंदर, और जीनस है इसका टैल्पा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नाजा, नाजा ठीक है, इंडियन किंग कोबरा, क्या कहते हैं? भारतीय किंग कोबरा या इंडियन किंग कोबरा कहा जाता है। नाजा, नाजा को, ठीक है। अब इसका जो है, जो टॉक्सिन होता है या विष होता है, वो कैसा होता है? हीमोटॉक्सिन प्रकार का होता है। हीमोटॉक्सिन का मतलब ब्लड के अंदर मिलकर ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो रोक देता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। हाइड्रोफिस जो है उसका विष कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का होता है। फाइलम की बात करें कॉर्डेटा, कशेरुकियों के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। क्लास, वर्ग की बात करें रेप्टिलिया, सरीसृपों के अंदर, रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। ऑर्डर की बात करें स्क्वेमेटा में इसको रखा गया है, और जीनस है इसका नाजा, नाजा। देन हम बात करें टेरिडो, ठीक है, इसको कहते हैं शिपक्रमी, क्या कहते हैं? शिपक्रमी कहा जाता है इसे। शिपक्रमी, क्लासिफिकेशन की बात करें फाइलम मोलस्का, मोलस्का के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, और मोलस्का जो कि इनवर्टिब्रेट का क्या है? फाइलम। उसके बाद क्लास है पैलेसिपोडा। देन ऑर्डर की बात करें यूलेमी लिब्रेंकिएटा, ठीक है, और जीनस है टेरिडो। इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट जो है, एक और स्पेसिमेन रह गया है, वो है इक्थियोफिस, ठीक है। इक्थियोफिस को क्या कहते हैं? सिसिलियन कहा जाता है, क्या कहते हैं? सिसिलियन, ठीक है। फाइलम है इसका कॉर्डेटा। उसके बाद क्लास है इसकी एम्फीबिया, ऑर्डर है इसका जिम्नोफियोना या एपोडा, और जीनस है इक्थियोफिस। और ये जो है एम्फीबियन का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो क्या है? पैतृक रक्षण इनमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर इनमें प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट हुए आपके 6 और 6 एडेप्टेशन, 6 एडेप्टेशन में पाए जाने वाले स्पेसिमेन। और ये वीडियो जो है वो इस पर्पज से ही बनाया गया है कि आपको इजीली याद हो पाए, आप क्लासिफिकेशन को याद कर पाओ और स्पोर्टिंग को बहुत अच्छे से कर पाओ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।